अंगूर के बच्चे में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के बच्चे में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते। समझा क्या कहा कि बुलबुल के पंजे में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें प्रजाति है, जिन्हें प्रजाति है छुपकर चलने की आदत, जिन्हें प्रजाति है छुपकर चलने की आदत, दोस्तों उनके शिरों पर कभी ताज नहीं होते। मेरे मित्रों उनके शिरों पर कभी ताज नहीं होते। साथियों एक बात किसी ने और कही, तमाम मक्का साथियों ने अपने संबोधन में माननीय बहन जी की पूर्वी सरकार की उपलब्धियां कराने काम किया। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा सामान्य साथियों, माननीय बहन जी की सरकारों में सैकड़ों योजनाओं के तहत अगर कोई व्यक्ति, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, खाना आपको आपकी सीट पे जाएगा, आपकी कुर्सी पे जाएगा। अनुशासन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने अपने स्थान पर यथावत बैठे रहे। हमारे जिम्मेदार टीम के साथ ही आपके भोजन की व्यवस्था आपकी कुर्सी तक पहुंचाने के हमारे साथियों काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो साथियों मानी बहन जी की पूर्व की सरकारों के बारे में हमारे तमाम पत्ता साथियों ने इधर बताने का काम किया। मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, मानी बहन जी की कोशिश हर संभव यह रही प्रदेश के अंदर हर जाति धर्म के लोगों को मानी बहन जी ने अपनी योजनाओं के तहत लाभान्वित करने का काम किया। अगर कोई सम्मान खाते छूट भी गया होगा तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि पेट की भूख से कहीं ज्यादा आदमी को सम्मान की जरूरत है। मेरे मित्रों अगर किसी को कुछ नहीं मिला होगा तो माननीय बहन जी के हुक्मरान रहते हुए उनके मुख्यमंत्री काल में उसको सम्मान जरूर मिला होगा कि आज हमारे नेता प्रदेश की मुख्यमंत्री सम्मानित साथियों। साथियों किसी शायर ने कहा कि कोई बच्चा अपनी माती कोख से जन्म लेकर दुनिया में जाता है, जब अपनी आंखें खोलता है इस विशाल संसार को देखता है तो उसके अंदर रोटी और दूध से ज्यादा सम्मान की ललक होती है। मेरे मित्रों वो सम्मान चाहता है, वो मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में अपने हुक्मरान रहते हुए सब समाज के लोगों को सम्मान देने का सम्मान साथियों काम करने का काम किया था। मेरे मित्रों इसलिए उसने कहा कि आए हैं जमाने में ध्यान देने की बात है। मित्रों सुन लेना बात से, आपका छोटा भाई आपके चरणों में अपनी बात रखने जा रहा है। उसने कहा कि आए हैं जमाने में इज्जत की नजर लेकर और खामोश में बैठेंगे ये जख्मों का दर लेकर, आए के जमाने में इज्जत की नजर लेकर और खामोश में बैठेंगे ये जख्मों का बदल लेकर। ये जुल्म की चट्टाने आज पूरे भारत देश में, इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जुल्म की चट्टान की तरह साथियों खड़ी है। ये जुल्म की चट्टाने हम तोड़ के दम लेंगे, मरने से नहीं डरते, निकले हैं कफन लेकर, निकले हैं कफन लेकर सामान्य साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी है। मेरे मित्रों